रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर समूचे देश के अंदर अनेकों अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर चंडीगढ़ में भी शंखनाद संस्था द्वारा चंडीगढ़ क्लब से लेकर सुखना लेक तक एक दौड़ लगाई गई और इस दौड़ के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश की कि तमाम लोग जो है वो नेकी के रास्ते पर चलें और सही रास्ते को जो है वो चुनें। इस तरीके से इस दौड़ के माध्यम से ये पैगाम जो है वो देने की कोशिश की गई और अब आप देख सकते हैं कि सुखना लेक पर एक सेल्फी पॉइंट जो है वो बनाया गया है, जहाँ पर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ बहुत सारे बच्चे जो है वो सेल्फीज जो है वो खिंचवा रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो इनकी तरफ से की गई कि सभी को नेकी और न्यायप्रिय रास्ते पर जो है वो चलना चाहिए। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि किस तरीके से तमाम बच्चे जो है वो श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ जो है वो लगातार फोटोज खिंचवा रहे हैं और एक तरीके से सेल्फी पॉइंट जो है वो ये बना हुआ है। सीधे तौर पर श्री राम से हम जानेंगे किस तरीके का उनका अनुभव रहा, किस तरीके का ये दौड़ थी, ये बताएं क्या नाम है आपका और श्री राम का किरदार निभाने से कितना सुकून जो है वो आपको मिला। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं श्री राम का किरदार निभा रहा हूँ। ये बताएं इतनी ठंड के अंदर श्री राम ने जो वनवास काटा था, ठीक वैसे ही वेशभूषा पहनकर आपने 3.5 किलोमीटर तक एक रन लगाई, एक वॉक की, ठंड नहीं लगी, किस तरीके का अनुभव रहा? देखिए, जब प्रभु श्री राम, अभी तो मुझे लगता है कि मैंने अभी भी कुछ निवास ज़्यादा पहने हैं और प्रभु श्री राम जो थे मुझे नहीं लगता उन्होंने इतने भी निवास पहने होंगे और वो इतनी ठंड में वो भी वनवास काट कर आए थे, तो मैं तो सिर्फ 3 किलोमीटर ही चल कर आया हूँ, तो मुझे कोई ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना भी चाहिए ये बात कि मुझे ठंड लग रही थी। शायद ये मेरे लिए शर्मनाक बात होगी अगर मैं कहूँगा कि मैं 3 किलोमीटर चल कर आया और मुझे ठंड लग रही थी। हमारे साथ माता सीता भी हैं, क्या नाम है आपका जो आप माता सीता का किरदार निभा रही हैं? मेरा नाम पारुल है और मैं माता सीता का किरदार निभा रही हूँ। ये बताएं कि किस तरीके का एप्रिसिएशन और जो अनुभव रहा, लोग आपके साथ जो है वो लगातार सेल्फीज खिंचवा रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा मेरे साथ सेल्फी नहीं, वो माता सीता के साथ सेल्फी हो रही है, तो एक अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, माता सीता का किरदार निभा के बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ लक्ष्मण भी हैं, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमेशा लक्ष्मण जो है वो श्री राम के पद चिन्हों पर चले, आप कितना जो है वो मनप्रीत को फॉलो करते हैं जो श्री राम का किरदार जो है वो निभा रहे हैं? ये तो वैसे भी मेरे बड़े भाई हैं और आज तो ये सौभाग्य मिला है कि मैं इनके छोटे भाई का किरदार भी निभा रहा हूँ, तो ये तो मेरे लिए हमेशा ही एक आदर्श रहे हैं और श्री राम की भक्ति से बड़ा तो और कुछ हो ही नहीं सकता इस संसार में। देखिए, जाहिर तौर पर लगातार जो है वो चाहे हम श्री राम का जिक्र करें, माता सीता का जिक्र करें या फिर लक्ष्मण का जिक्र करें, इनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके का जो किरदार उनकी तरफ से निभाया जा रहा है, उसके बाद ठंड तो बहुत दूर की बात है, श्री राम का नाम लेते ही तमाम कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। और अब हमारे साथ हैं शंखनाद संस्था के ऑर्गेनाइजर, संस्थापक संजीव राणा जी। सर, ये बताएं कहाँ से ये एक थॉट जागा कि इस तरीके का एक मैसेज देने के लिए एक दौड़ जो है वो लगाई जानी चाहिए? देखिए, अयोध्या में मैं 2002 में गया था वहाँ पर, तो जब हमने वहाँ पर देखा जाके श्री राम लल्ला जी वो टेंट में थे, विराजमान वहाँ पर थे, तो देख के खुद आँखों से एक दुख हुआ था कि भी हम लोग अपने घरों में एसी में बैठे हैं और श्री राम लल्ला जी जो हैं वो आज टेंट में बैठे हैं, और जो हमारा वो 20-22 साल का जो एक मन में एक रहती थी, आँखों में खटक रहती थी, वो आज अब पूरी होने वाली है 22 तारीख को। तो इसी आयोजन का लेकर आज हमने पूरे शहर में युवाओं को जागरूक किया, युवाओं से आग्रह किया कि वह भी श्री राम लला का जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें एक युवा फॉर राम, ऐसे एक हमने कार्यक्रम का आयोजन किया। रॉक गार्डन से लेकर सुखना लेक तक हमने सभी युवाओं ने, तकरीबन आपने देखा हजारों की संख्या में आज युवा शामिल थे इस कार्यक्रम में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये मैसेज दिया कि भी अब युवा भी जो हैं वो श्री राम लल्ला के लिए आगे आ रहे हैं। ये बताएं कि एक लंबा संघर्ष जो है वो राम मंदिर बनाने के लिए रहा है, लगभग 550 वर्षों का संघर्ष जो है वो रहा है, किस तरीके से देखते हैं आखिरकार अब वो समय जो है वो बहुत नज़दीक आ चुका है कि जब 22 जनवरी को बखूबी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को जो है वो आयोजन होगा और रामलला जो है वो भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। बहुत सारी बातें जो हैं वो निकल कर आ रही हैं, तरह तरह की बातें जो हैं वो राम भक्त कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनकी पीढ़ी जो है वो सौभाग्यपूर्ण रही है कि उन्होंने जो है वो इस क्षण को जो है वो सिद्ध होते हुए देखा है। बिल्कुल,
बिल्कुल, देखिए आज हमने कभी नहीं सोचा था, कम से कम मैंने तो ऐसा लगता था कि शायद अब राम मंदिर नहीं बनेगा, कम से कम हमारी आंखों के सामने नहीं बनेगा। जैसे मेरे माता पिता हैं, उनकी भी एज काफ़ी हो गया, इनकी भी इच्छा थी कि वे अपनी आंखों के सामने इस राम मंदिर को बनता हुए देखें, और आज वो भी देख रहे हैं राम मंदिर को। और यह पूरे युवाओं में, मेरी पूरी फैमिली में जोश है, मेरे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं इस कार्य के लिए। राघव, ये छोटे सारे बच्चे हैं मेरे, खुद आए हैं, वो खुद इसके लिए, इनको था कि भी हमने जो रामलला का मंदिर है, हम खुद चाहते हैं कि भी उसमें हम अपनी तरफ से भी पार्टिसिपेट करें। तो हमने अब वहाँ तो जा नहीं सकते क्योंकि एक जो मर्यादा है कार्यक्रम की वो एक सीमित है, लेकिन उसी के मद्देनज़र हमने चंडीगढ़ में युवा फॉर राम करके एक यात्रा निकालने का एक कार्यक्रम बनाया और इसमें हजारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि लगातार श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले चंडीगढ़ के अंदर भी तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, ताकि एक तरीके से उस एक खास दिन को, जब खुद जिसको लेकर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 जनवरी को दीपोत्सव की तरह जो है वो आयोजित किया जाए, तो जाहिर तौर पर 22 जनवरी को चंडीगढ़ के अंदर जो है वो एक अलग ही रौनक जो है वो देखने को मिलेगी। जिस तरीके की रौनक जो है वो ठीक उससे पहले जिस तरीके से लगातार जो चंडीगढ़ के अंदर कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं उनमें जो है वो देखने को रही है, तो ये इस तरीके से रौनक जो है वो आपको देखने को मिलेगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुराटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।